भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में नौ मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़कर नए मतदाताओं से सीधा संवाद किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने बताया कि ये नौ मतदाता सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किया गया है। गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा, जो नए वोटर हैं वो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी मतदाताओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर के 4 लाख नए मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, इसलिए नए मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता मतदान करके भारत को अखंड बनाने में अपने योगदान देंगे। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेकिन आप सब नौजवानों के कारण जब 2014-2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान संभाले, तो इस देश की युवा शक्ति को क्या करना, इस युवा शक्ति को भारत के निर्माण में, भारत के नए भारत के निर्माण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मान करके काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं विशेष तौर पर आप सब नौजवानों से आज के अवसर पर केवल निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं कि नौजवान साथियों, जब से इन नौजवानों भारत आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि अब भारत में केवल 4 जातियां, एक हमारी गरीब जाति है, एक हमारी नौजवानों की जाति है, एक हमारी महिला की जाति है और चौथा हमारी लाभार्थी की जाति है। साथियों, हम सब के बीच विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हम सब के बीच ये भव्य स्वरूप के नव मतदाता सम्मेलन के कल्पना दी और लगातार मार्गदर्शन करकर इस कार्यक्रम का सफलता में हम सबको मार्गदर्शन दिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का मैं आप सब के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम नवमतदाताओं को जो लगभग 5,800 स्थानों से बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अतीत पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कहा, ये हमारे नव मतदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के सभी विधानसभा स्तर पे 2 स्थानों पे नमो मतदाता सम्मेलन रखा गया। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, भारत का भाग्य निर्धारण करने जा रहे हैं, ऐसे सभी नौ मतदाताओं का सम्मेलन को हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उनको संबोधित करेंगे और मुझे लगता है कि गोरखपुर के नौ मतदाताओं का मिनिमम 4 लाख ऐसे नौ मतदाता जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेंगे और भारत के भाग्य में
नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस संदर्भ में आज गोरखपुर के इस एमजी कॉलेज में एक कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी नौ मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आज इसमें जुड़ करके भारत के नए निर्माण में अपना सब योगदान देने का काम करें।